हेलो फ्रेंड्स, पक्षिनिया के नेक्स्ट स्टेप में आज हम डिफरेंस आपको बताएंगे। तो डिफरेंस बिटवीन ब्लैक, ब्राउन एंड येलो रस्ट, आज तीनों रस्ट का आपको अंतर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्लैक, ब्राउन एंड येलो रस्ट, देखिए फर्स्ट लाइन हमने ब्लैक का लिखा है, सेकेंड ब्राउन आर ऑरेंज रस्ट और थर्ड येलो आर स्ट्राइप रस्ट। तो फर्स्ट आपको लिखने हैं, पहले आप पहला डिफरेंस आपका होगा कि पक्षिनिया ग्रैमिनस टिटिथाई, ब्लैक आर स्टेम रस्ट का काजल आर्मीनियम लिख दीजिएगा फर्स्ट में, पक्षिनिया ग्रैमिनस टिटिथाई। ब्राउन ऑरेंज आर लीफ रस्ट का पक्षिनिया रिकेंडिटा आर पक्षिनिया ट्रिटिसिना एंड थर्ड येलो आर स्ट्राइप रस्ट का पक्षिनिया स्ट्रिफार्मी। राइट, पहले काजल आर्मीनियम लिख दीजिए, एक अंतर हो जाएगा। नंबर टू डिफरेंस है सिम्टम का, जो सिम्टम लक्षण बनते हैं, सिम्टम अपीयर होता है फर्स्ट कि सिम्टम अपीयर मार्च टू अप्रैल, जो ब्लैक रस्ट का सिम्टम बनता है वो मार्च और अप्रैल में बनता है, लास्ट मार्च और अप्रैल के फर्स्ट वीक में सिम्टम दिखाई देते हैं। ब्राउन ऑरेंज रस्ट का सिम्टम जनवरी में दिखाई देते हैं एंड येलो आर स्ट्राइप रस्ट जनवरी। राइट, ये दोनों रस्ट पहले दिखाई देते हैं और ब्लैक आर ब्राउन रस्ट, ब्लैक आर स्टेम रस्ट मार्च अप्रैल में दिखाई देता है। थर्ड डिफरेंस है कि पास्टुल्स डेवलप मोस्टली स्टेम एंड लीफ अपर एंड लोअर सरफेस, जो सिम्टम डेवलप होते हैं पास्टुल्स जो बनते हैं वो पत्ती के अपर और लोअर सरफेस पे दोनों तरफ बनते हैं, जबकि ब्राउन ऑरेंज और लीफ रस्ट में पास्टुल्स डेवलप अपर सरफेस आर लीफ, जो पास्टुल्स धब्बा बनता है वो पत्ती के ऊपरी सरफेस पे ही बनता है, इसलिए आप लोग को लिखना है पास्टुल्स डेवलप अपर सरफेस आर। थर्ड में येलो आर स्ट्राइप रस्ट में आपको लिखना है पास्टुल्स डेवलप अपर सरफेस आर लीफ, इसमें भी धब्बे जो बनते हैं पत्ती के ऊपरी सिरे पे ही बनते हैं, अपर सरफेस पे ही बनते हैं। फोर्थ है आपको कि लो डैमेज, ये जो क्षति करता है कम इसे क्षति करता है, बट ब्राउन ऑरेंज रस्ट हाई डैमेज, ज्यादा से ज्यादा नुकसान करता है एंड येलो आर स्ट्राइप रस्ट हाई डैमेज, राइट, ज्यादा नुकसान करता है। फाइव पॉइंट आपको लिखना है यूरोडोसोराई ओवल इलांगेटेड एंड ब्लैक कलर, जो यूरोडोसोराई बनता है वो ओवल बनता है, इलांगेटेड लंबे लंबे होते हैं और काले रंग के होते हैं, जबकि ब्राउन ऑरेंज आर लीफ रस्ट में यूरोडोसोराई ओवल टू राउंड ऑरेंज एंड लेटर ऑन ब्राउन, जो यूरोडोसोराई बनता है वो ओवल होता है, राउंड होता है, ऑरेंज कलर का होता है, बाद में ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। राइट, थर्ड पोर्शन में येलो आर स्ट्राइप रस्ट में यूरोडोसोराई ओवल टू ब्राउन लीनियर फॉर्म ऑरेंज कलर एंड नॉट कोलैप्स, यूरोडोसोराई होता है ओवल राउंड होता है और लीनियर फॉर्म होता है और ऑरेंज कलर का होता है, और नॉट कोलैप्स का मतलब है इनकी लंबी लंबी ऐसी से धारियां बनी रहती है, आपस में धारियां मिलती नहीं है, क्लियर दिखाई देता है, जबकि ये सब सिम्टम आपस में बाद में पुराने होने कोलैप्स हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। छठवां पॉइंट है कि यूरोडो स्पोर ओवल एंड फोर जर्म ट्यूब, यूरोडो स्पोर ओवल होता है और जब जर्मिनेट करता है तो कम से कम चार जर्म ट्यूब बनाता है। राइट, इसमें देखिए ब्राउन ऑरेंज और लीफ रस्ट में यूरोडो स्पोर राउंड होगा एंड सेवन जर्म ट्यूब और कम से कम सात जर्म ट्यूब बनाएगा जर्मिनेशन करते समय, येलो आर स्ट्राइप रस्ट में यूरोडो स्पोर राउंड 6 to 10 जर्म ट्यूब, यूरोडो स्पोर राउंड होता है और 6 से कम से कम 10 जर्म ट्यूब बनाएगा, मिनिमम 6 एंड मैक्सिमम 10 जर्म ट्यूब कब बनाएगा, जर्मिनेशन करते समय। नेक्स्ट है सातवां पॉइंट ब्लैक आर स्टेम रस्ट में कि टिलियोसोराई ब्लैक इन कलर एंड स्टेम, टिलियोसोराई जो होता है स्टेम पे बनता है और काले रंग का होता है। राइट, ब्राउन ऑरेंज आर लीफ रस्ट में टिलियोसोराई अब्सेंट होता है, नहीं बनता है, आर इफ फॉर्मेड ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीफ, टिलियोसोराई अब्सेंट होता है, अगर प्रेजेंट होगा बनेगा भी तो लोअर सरफेस पे बनेगा, लोअर सरफेस ऑफ लीफ, इसमें फॉर्म डल ब्लैक लोअर सरफेस ऑफ लीफ, काले हल्का काला रंग का होगा और लोअर सरफेस पत्ती के निचले हिस्से में ही बनेगा। राइट, एट है पैराफाइसिस अब्सेंट, इसमें जो होता है ब्लैक आर स्टेम रस्ट में पैराफाइसिस नहीं बनते हैं, जबकि ब्राउन ऑरेंज आर लीफ रस्ट में पैराफाइसिस आल्सो प्रेजेंट, पैराफाइसिस प्रेजेंट रहते हैं और येलो आर स्ट्राइप रस्ट में भी पैराफाइसिस प्रेजेंट रहता है। राइट, 10.9 पॉइंट देखिए टिलियोस्पोर स्पाइंडल शेप होते हैं, इसके जो टिलियोस्पोर होते हैं ब्लैक आर स्टेम रस्ट के स्पाइंडल शेप होते हैं, ब्राउन ऑरेंज आर लीफ रस्ट के टिलियोस्पोर राउंड आर ब्लंट होता है, ऊपर से
नुकीला नहीं होता है और इसका प्लियोस्पोर फ्लैटेन टाइप का होता है। 10 पॉइंट है पिकनिया एंड एशिया फार्मेट बारबेरी लीफ, इसमें जो ब्लैक आर स्टेम रस्ट है पिकनिया और एशिया हमेशा बारबेरी लीफ पे बनते हैं। ब्राउन ऑरेंज लीफ में इसका अल्टरनेट होस्ट है थैलिकेट्रम स्पीसीज आर आइसोप्राइन स्पीसीज भी कहते हैं, मैग्नोस्ली थैलिकेट्रम स्पीसीज बनता है। और येलो आर स्ट्राइप रस्ट का कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोग बारबेरी प्लांट भी कहते हैं, लेकिन फिलहाल बहुत रिपोर्टेड नहीं है। हमने देखिए बनाया है यूरोडोस्पोर का ब्लैक आर स्टेम रस्ट का यूरोडोस्पोर ओवल होगा और जो टिलियोस्पोर का स्पाइंडल शेप होगा, स्पाइंडल शेप बोथ इन डा पॉइंटेड, ये भी इसका क्या होता है नुकीला होता है, बोथ इन डा पॉइंटेड, इसी को हम स्पाइंडल शेप बोलते हैं। जबकि ब्राउन ऑरेंज आर लीफ रस्ट में ओवल होगा और टिलियोस्पोर कैसा होगा राउंड हल्का सा होगा, देखिए यहाँ पे लिखे हैं टिलियोस्पोर राउंड आर ब्लंट, इस वाले हिस्से को नुकीला हिस्सा नहीं होता बल्कि क्या होता है इसको हम ब्लंट या राउंड बोलते हैं। एंड इसमें टेलियोस्पोर फ्लैटेंड होता है, ऊपरी हिस्सा एकदम चपटाकार लिए रहता है, इसी को हम फ्लैटेंड अवस्था बोलते हैं, राइट। तो ये रहा डिफरेंस आपका, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। टेलियो ब्लैक आर स्टेम रस्ट, ब्राउन ऑरेंज लीफ रस्ट, येलो आर स्ट्राइप रस्ट, इसका टेलियोस्पोर जो हमेशा ओवल होगा, इसका स्पैंडल शेप होगा, इसका ओवल होगा, इसका ब्लंट होगा और इसका फ्लैटेंड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू। कपड़ा बदल के आओ, फिर उठा के सब फिर बात जो करेंगे। हाई बोलो कपड़ा आ जाएगा।